हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन दत्रवाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, शुड यू टेक अ ड्रॉप ईयर फॉर जेईई मेंस और नॉट। तो अभी है ना, अलग अलग टाइप के बच्चे वीडियो देख रहे होंगे। किसी के 70 नंबर आए होंगे, किसी के 90 नंबर आए होंगे, किसी के 110 आए होंगे, किसी के 150 आए होंगे, किसी के 200 नंबर भी आए होंगे। और हर बच्चे का डाउट होगा कि भैया मैं ड्रॉप ईयर लूँ या ना लूँ। मेरा टीयर 2 कॉलेज में हो गया, क्या मैं टीयर 1 के लिए एक साल ड्रॉप लूँ? मेरा टीयर 3 में हुआ है, क्या मैं टीयर 1 और टीयर 2 के लिए ड्रॉप ईयर लूँ? भैया मेरा कहीं पे भी एडमिशन नहीं हुआ, क्या मैं इन ऊपर वालों के लिए ड्रॉप ईयर लूँ या फिर कोई और करियर ऑप्शन देखूँ? भैया ये बैकअप स्ट्रैटेजी क्या होती है? बैकअप स्ट्रैटेजी मतलब कॉलेज के साथ साथ ड्रॉप ईयर, ये कैसा होता है, निकल जाएगा इसमें? अच्छा भैया, मेरे को फ्यूचर में है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, सरकारी नौकरी। तो क्या सरकारी नौकरी में जाना ही है तो मैं बीटेक के लिए एक साल का ड्रॉप ईयर लूँ? तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल होंगे यार आपको, तो उनको हम खोद खोद के देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है यार, जैसे एक छोटी सी चीज़ में बताता हूँ, IIT का टैग सब कुछ नहीं होता, ठीक है। IIT का टैग सब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि अगर आप, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको NITs में अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो IIT टैग के लिए एक साल मेहनत करते हैं, तो क्या वो चीज़ वर्थ इट है? ये सारी चीज़ें यार हम आज के वीडियो में जानेंगे। अभी है ना यार, सारे बच्चों में एक भाव होती है, एक भावना होती है। क्या होती है वो भावना? आपने रिसेंटली जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, इससे थोड़े दिन पहले आप फ्लो में थे, 10, 12, 13, 14 घंटे पढ़ रहे थे, उससे पहले बोर्ड एग्जाम की वजह से आप 10, 12, 12 घंटे पढ़ रहे थे, तो आप एक फ्लो में, कॉन्फिडेंस है कि भाई अगर मैं इसी फ्लो के साथ अगले एक साल और पढ़ता गया ना तो डेफिनेटली जेईई मेंस निकाल दूंगा। अब हमें यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये पकड़नी है कि अगर ये बात सच है तो क्या रीज़न है कि 95% से ज़्यादा ड्रॉपर्स फेल हो जाते हैं, ठीक है, उतना अच्छा स्कोर भी नहीं ला पाते जितना लास्ट टाइम आया था। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए यार, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर कहानी लिखी है इस पर हम जोर डालेंगे और आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा जिनसे कि हो सकता है आपको ड्रॉप की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, आप ऑलरेडी, आपके पास जो है वो मोर देन सफिशेंट है। तो जब भी यार हम बचपन में कभी किचन में जाते थे, ठीक है, सबके साथ ही हुआ होगा कि दूध का पतीला पड़ा है, हम उसे उठाते हैं और उठाते ही पता चला बहुत गर्म था तो हम एकदम से छोड़ देते हैं। तो क्या आप जब उस पतीले को दोबारा उठाने जाते हो तो आप एक कपड़ा नहीं लेते कि भैया इस बार कपड़े से पकड़ के उठाऊंगा या फिर कोई टूल ले लूँगा कि भाई इससे पकड़ के मैं उठाऊंगा? नंगे हाथों से तो फिर से नहीं उठाते ना। तो सिमिलरली जब एक बच्चा ड्रॉप ईयर लेता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने रीजंस फॉर फेलियर को जाने कि क्या कारण थे जिनकी वजह से जो उसने अपने दिमाग में गोल सेट करा था कि मैं इतने नंबर ले आऊँगा वो नहीं ला पाया। तो रीजंस फॉर फेलियर हर बच्चे के अलग हो सकते हैं, पॉज करके वीडियो दिमाग में 8-10 रीजन सोचो। जनरली यार ये होते हैं लैक ऑफ गाइडेंस कि भैया मेरे को अच्छे टीचर्स नहीं मिले, मेरे को पता नहीं था कहाँ से क्या पढ़ना है इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पाया। बैड टीचर्स, भैया कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ठीक ठाक ज्वाइन किया था पर वहाँ जो टीचर थे वो इतने ख़राब थे कि PCM से नफरत हो गई मेरे को। नोट्स नहीं बनाए भैया, टीचर्स भी सब अच्छे थे पर मैं क्लास में बैठ के नोट्स नहीं बनाता था, यूँ पिक्चर से देख के आ जाता था। कुछ कहा भैया नोट्स तो बनाए पर उन नोट्स को घर आके रिवाइज नहीं करता था, मैं 2-3 बार लिखता नहीं था। कुछ का था कि भैया मैं तो क्लास ही नहीं जाता था, 2 दिन चले गए फिर 1 दिन मिस कर दिया। कुछ होंगे भाई इनकंसिस्टेंट कि भैया मैं तो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम के दौरान पढ़ता था, बाकी साल में पढ़ा नहीं तो इसलिए मेरी रैंक अच्छी नहीं आई। कुछ को होगा भैया मेरे को मोबाइल से बेहद प्यार था, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के मतलब ये मेरी ज़िंदगी थी। तो कुछ का मोबाइल रीज़न हो सकता है। कुछ का बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, काफ़ी सारे मेल्स आते हैं मेरे पास कि भैया 11th वो मेरे साथ थी, 12th में वो मेरे को छोड़ के चली गई तो मैं उस दुख को संभाल नहीं पाया, अब वो एक अलग कॉलेज में होगी, मैं एक अलग कॉलेज में होगा तो अब पता नहीं क्या होगा, वो हमेशा के लिए चली गई वो, तो मैं उन मेल्स को देख के इतनी हंसी आती है मेरे को कसम से। कुछ का होगा यार कि फैमिली इशू कि भाई कुछ कारणों की वजह से समझ गए, हेल्थ इशू, बीमार हो गया, टाइम मैनेजमेंट 12वीं और जेईई मेंस को साथ में संभाल नहीं पाया। अब यहाँ पे एक कायदे की चीज़ है यार जो हमें समझनी है, इनमें से एक भी चीज़ आपने इस साल रिपीट करी आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे, क्योंकि हम उस पतीले को दोबारा नंगे हाथों से छुएंगे ना तो दोबारा हाथ जलेगा हमारा, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर सकते। अगर इतना दम है कि हाँ भाई मैं मोबाइल को मना कर सकता हूँ अगले एक साल के लिए, हाँ भाई मैं देवदास नहीं बनूंगा अगले एक साल के लिए, हाँ भाई मैं क्लास मिस नहीं करूंगा, जो भी नोट्स होंगे उनको 2-3 बार लिखूंगा, अगर ये जज्बा है अगले एक साल करने का तभी आना, आपको अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स पे स्टॉप लगाना पड़ेगा। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, जल्दी से एक चीज़ ख़त्म करता हूँ कि भैया जेईई मेंस में अच्छा स्कोर कैसे लाएँ, क्या बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं? नहीं, अगर आप अपने जो भी आपका एरिया है वहाँ के हर एरिया के 3-4 टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अगर आप उनमें जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना, जो क्लास में पढ़ाते हैं उसके नोट्स बनाओ,
उस नोट्स को अगली क्लास से पहले 2 से 3 बार लिख लो, ठीक है। और जो वहाँ से आपको कोचिंग मटेरियल मिलता है, मॉड्यूल्स हो गई, असाइनमेंट्स हो गई, उनको साथ साथ में करते जाओ। और ये प्रक्रिया आपको अगले 2 साल के लिए करते जाने, और कोई भी टेस्ट मिस मत करना कोचिंग इंस्टीट्यूट का। अगर ये 3 चीज़ें आप अगले 2 साल के लिए करते जाते हो, कोई फ्रेश अगर 11th का बच्चा देख रहा है, तो वो बच्चा एक अच्छी रैंक ले आएगा। आपको किसी और एक्स्ट्रा किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती जेईई मेंस के लिए, बस ये चीज़ करनी होती है, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चे ड्रॉप ईयर्स वाले फेल इसलिए होते हैं, क्यों? क्योंकि भाई उनका पहले 1 महीने 2 महीने तो अच्छा जोश बन के रहता है, हाँ भाई मैं अच्छे से पढ़ूंगा, पर ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ उनका भाई जो एंथू है वो ख़त्म होता है। डिप्रेशन पता नहीं क्यों उनमें से अंदर से आता रहता है, एंग्जाइटी बढ़ती है उनकी कि इस साल क्या होगा, इस साल कहीं कम नंबर आए या ज़्यादा नंबर आए, क्या होगा भाई, ठीक है। सोसाइटी वाले भी उनको थोड़े ऐसे देखते हैं, घर पे ताने पड़ते हैं, दोस्त उनके कॉलेजेस में मस्तियाँ कर रहे होते हैं, तो ये बच्चे टाइम के साथ ट्रैक छूट जाता है इनका, और उतनी तगड़ी प्रिपरेशन नहीं हो पाती इनका। फिर रोज का शेड्यूल होता है दिन में 8-10 घंटे सोना, किताब पे बैठे भी है तो उतना कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ नहीं बैठ पा रहे। तो ये चीज़ कैसे पकड़ें, आपको क्या करना होगा यार, अभी जो टाइम है हमारे पास अगले 2 से 3 महीने, ठीक है, जेईई मेंस अभी ख़त्म हुआ है, 1-2 दिन का रेस्ट लेना है तो ले लो, पर अब स्टार्ट हो जाओ फिर से, जो भी सोच रहे हैं ड्रॉप ईयर का वो स्टार्ट हो जाओ, और देखो कि आप अगले 2 महीने तक और प्रिपरेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, लग रहा है कि भाई ये तो छूट रही है मेरे से, तो भाई फिर आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है। अगले 2 महीने अगर आप वही 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, आपके हाई चांस हैं कि भाई आप फिर भी खींच जाओगे पूरे साल के लिए। पर आपको पता चला यार 10-15 दिन 20-25 दिन में ही मेरा मोमेंटम टूट रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा यार ड्रॉप ईयर का, ठीक है। बाकी सबकी अपनी मर्जी, राइट। आपको अपने से वजह पूछनी पड़ेगी, वजह में दम होगा तो डेफिनेटली करोगे। अगर फैमिली प्रेशर रीज़न है यार तो मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि फैमिली प्रेशर में थोड़ी ना होती यार कोई चीज़, फैमिली प्रेशर है तो यार मत करना ड्रॉप ईयर। आपको भाई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो हाँ करो, बाकी इस पे मैं थोड़ी और डिटेल डिस्कशन अभी करूँगा आपके साथ यहाँ पे। अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, हाँ भाई करो, क्यों ना करें अपने आप को प्रूव। अगर सोसाइटी का प्रेशर है तो भाई मत करना, अगर ईगो प्रॉब्लम है मत करना, अगर पहले से ही प्री प्लान था कि भाई ड्रॉप ईयर लेना ही है तो ले लो, ठीक है। और अगर आपको अब वो है ना कि भाई हाँ सिंपल है, आसान है, निकाल लूँगा मैं, आसान है, देख लिया मैं, लगूँगा तो लगा लूँगा, मेरे को पूरा पता है कि भाई गाइडेंस भी है मेरे साथ तो मैं निकाल लूँगा, तो डेफिनेटली दो। करते हैं यार थोड़ी काम की बात, क्या कोचिंग की ज़रूरत है? हाँ यार कोचिंग की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने 11th 12th में ऑलरेडी सब कुछ कोचिंग से नोट्स वोट्स बना लिए होंगे, पर अब आपको रेगुलैरिटी के लिए कोचिंग की ज़रूरत है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो और उसके टेस्ट्स आप रेगुलरली दो, ठीक है। बीच बीच में आप उनकी क्लासेस में भी जाके बैठ जाओ, हो सकता है आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक हो जो कि आपने 11th 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा, आप दोबारा पढ़ना चाहते हो तो वो आप अपनी कोचिंग में जाके पढ़ सकते हो। साथ में 50 बच्चों के बीच में बैठोगे यार तो आपको थोड़ा कॉम्पिटिशन वाली फील भी आएगी कि हाँ भाई सारे पढ़ रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ अपने घर में, वरना आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार मैं अकेला ही अपना बोरिंग हूँ और बाकी सारे दोस्त तो मेरे मस्ती कर रहे हैं। तो वहाँ पर यार कोचिंग हेल्प करेगी एक एनवायरमेंट प्रोवाइड और कंसिस्टेंसी बनाने में। भाई क्रिटिसिज्म बहुत आएगा दुनिया भर का, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो आपके घर में ही आएगा, आपकी मम्मी आपको 10 बार बोलेगी बेटा इस बार कहीं और कम नंबर आ गए, तो कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं होता यार ड्रॉप ईयर, समझ लो, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। पड़ोसी भी कहेंगे, मम्मी भी कहेंगे, सब कहेंगे, पर भाई आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ यार मैं ठीक कर रहा हूँ, और ये बस साल भर की बात है, उसके बाद यही सारे लोग आके बोलेंगे कि बहुत अच्छा स्कोर किया, वो कॉन्फिडेंस आपको अंदर रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं, कि भाई मैं इस कोचिंग में जाऊँगा या फिर मैं जिस कोचिंग में गया था उसी के अब मैं मॉड्यूल्स को सॉल्व करूँगा, या फिर ये भाई ये फलाना किताब है इस फिज़िक्स की, ये मैथ्स की, ये केमिस्ट्री की, मैं इन्हीं को फॉलो करूँगा। हर जगह हाथ नहीं मारने, अपने टीचर्स भी स्पेसिफिक कर लो कि भाई मैं सिर्फ इन टीचरों से पढ़ूँगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है कि यार ये मेरा टाइम टेबल है, लगभग कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ये भाई मेरा दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म करा देंगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान टूट जाए, मैं इनसे पीछे नहीं रह सकता, मेरे को इस फ्लो में चलना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यार बैकअप स्ट्रैटेजी, मतलब कि बच्चा एक कॉलेज में एडमिशन भी ले लेता है और साथ साथ में अपनी जेईई मेन की प्रिपरेशन भी करता रहता है, तो इनकेस जेईई में अगर कम नंबर आए या फेल हो गया तो एटलीस्ट उसने कॉलेज का 1 साल उसका बर्बाद नहीं होता। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं बताऊंगा ये थोड़ी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड दोनों है, ठीक है। आपका आईआईटी का थप्पा मैटर करता है, पर उससे ज़्यादा आज के दिन ब्रांच भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी ब्रांच कौन सी, कंप्यूटर साइंस है या बायोटेक है।
तो इस चीज को हम थोड़ा और समझते हैं। अगर ये जो आपके टीयर वन के कॉलेजेस हैं, अगर इनमें इन बीटेक वालों की बात करूँ, ये जो ब्लू में लिखे हैं, इन सब का यार आपका जो एवरेज पैकेज है ना यार, जो आपका एवरेज पैकेज है इन कॉलेजेस का, सबका आपका लगभग 8 लाख से 14-15 लाख के बीच में होता है, ठीक है। इसमें भी अगर हम स्ट्रीम वाइज चले जाएँ तो आपका कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम का यार ये 14 की जगह है ना, कहीं पर 18 भी हो सकता है, ठीक है, मेरी जान मत खाने लग जाना कमेंट सेक्शन में। अगर हम कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे आपका एवरेज पैकेज होता है 13 लाख से लेके 22-23 लाख एवरेज पैकेज है ये आपका, कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर आपका आईटी स्ट्रीम हो गया, इन सब में। इसके बाद नीचे इसके आपके फिर ईसीई स्ट्रीम आती है, और ऐसे करते 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 लास्ट में बायोटेक स्ट्रीम आती है। और बायोटेक स्ट्रीम यार फिर आपको इससे आधा ही मिलेगा उसमें, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी वहाँ पर नॉन टेक के लिए आ रही होंगी, कंप्यूटर साइंस के वाले बच्चों के लिए नहीं आ रही होंगी। बहुत कम कंपनीज होंगी जो कि बायोटेक वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस आपकी टेक कंपनीज में बैठने देंगे। तो अगर यार आपको इस ब्रैकेट में किसी भी कॉलेज में अच्छी स्ट्रीम मिल जाती है तो उसके बाद यार सिर्फ आईआईटी के टैग के लिए ड्रॉप ईयर लेना उतना वर्थ इट ना हो, ठीक है, क्योंकि यार आपका जो कंपनी यहाँ पर आएंगी सारी की सारी वो आपकी इन सारे कॉलेजेस में आती हैं। और एवरेज पैकेज यार फिर बच्चे के कैलिबर पर डिपेंड करता है कि उसने कितना मेहनत करा है, उसका कोडिंग कितना अच्छा है, उसे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स पर कितनी अच्छी ग्रिप है, समझ रहे हो। तो आप एक साल जो है आप वो अपना फिर कॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करो बजाय ड्रॉप ईयर के। 5 से 8 लाख के बीच में होता है, समझ रहे हो, 5 से 8, हो सकता है किसी में 4.5 हो, सकता है किसी में 8.5 हो, पर यही रेंज होती है। यहाँ पर यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो टीयर टू कॉलेजेस हैं इनमें अगर आपको कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम मिल जाती है तो वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से भी आप एक बहुत अच्छा पैकेज लेके चले जा सकते हो। यहाँ पे हो सकता है आपका एवरेज जो पैकेज है यहाँ पे जैसे 13 से 22 था, हो सकता है भाई यहाँ पे आपका 8 से 15 के बीच में हो पर्टिकुलर स्ट्रीम का। पर फिर दोबारा बच्चे की कैलिबर की बात आ जाती है, यहाँ पे भी कुछ कुछ बड़ी कंपनीज आएंगी, हो सकता है अमेज़न आ जाए, हो सकता है भाई गोल्डमैन सैक्स आ जाए, हो सकता है ये किसी और अच्छी कंपनी को पकड़ के लिए आए, अडोबी को पकड़ के लिए आए, तो वो कंपनीज़ तो आएंगी। तो अगर बच्चे में कैलिबर हुआ तो यहाँ से इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और वो भी अच्छी ग्रैब कर सकते हैं, पॉइंट समझ रहे हो मेरा। पर यहाँ पे अगर आपको यार थोड़ी सी ख़राब स्ट्रीम मिल जाती है ना, जैसे कि नीचे की आपकी बीटी वगैरह हो गई या फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, तो इन बच्चों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं टीयर टू कॉलेजेस में। ये थोड़ी सी हार्श रियलिटी है हमारे आज के दिन की। जो टीयर थ्री है यार यहाँ पे थोड़ा सीन और भी टाइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वालों को तो फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती हैं, पर जो बाकी स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो कोर ब्रांचेस के बच्चे हैं, उनको तो मतलब न्याय उतना नहीं मिलता है, समझ रहे हो। तो ये आपको मैंने मोटा मोटी पिक्चर यार बता दी है, मोटा मोटी पिक्चर आपको बता दी है। तो यहाँ पर यार मैंने आपको मोटा मोटी पिक्चर बता दी है। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, भैया मेरे को टीयर वन में इन कॉलेजेस के अंदर अच्छी ब्रांच नहीं मिली, ठीक है, मेरे को बायोटेक ब्रांच मिली है या फिर मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है, तो क्या मैं कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए ड्रॉप ईयर लूँ। देखो इनमें से कुछ कॉलेजेस में तो ये मैकेनिज्म होता है कि जैसा आप फर्स्ट ईयर में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी आपको ऊपर वाली स्ट्रीम में प्रमोट कर देंगे। अगर वैसा कुछ है तो यार ट्राई करो कि आप फर्स्ट ईयर में अच्छा रिजल्ट लाओ, ठीक है। अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो यार कि आप अपने कॉलेज के दौरान, फर्स्ट ईयर के दौरान प्रिपरेशन कर सकते हो तो वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छा कॉलेज ऑलरेडी ग्रैब कर लिया है। एक जो बायोटेक का बच्चा है ना यार, ये भी कोडिंग कर सकता है, ये भी कोडिंग कर सकता है, ठीक है, और टेक कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकता है। मैंने इस पर प्रॉपर वीडियोस भी बना रखे हैं। पर होता क्या है कि यार अगर मान लो कि एक अच्छी NIT है, उसके अंदर एक साल में जॉब देने के लिए 200 से 250 कंपनी आती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो सब कहेंगे भाई कंप्यूटर साइंस और आईटी के बच्चे या फिर ईसी स्ट्रीम के बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। पर लगभग यार आपकी 20 से 30 कंपनियां ही होंगी टेक की जो बोलेंगी चलो ठीक है यार बायोटेक वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप बायोटेक के हो, कोडिंग आपकी अच्छी है, तो आप भी 27 लाख का पैकेज उठा के लेके जा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट है, वो कोई बैरियर नहीं लगाती कि भाई कोई भी स्ट्रीम का बच्चा आके बैठ सकता है, तो एक बच्चा कोडिंग में भी अच्छी लेके जा सकता है, ठीक है। और सिर्फ टेक कंपनीज नहीं होती यार, नॉन टेक भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे कि क्या आपकी डिलॉयट हो गई, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आपकी, ठीक है, आपकी EXL हो गई, ठीक है। तो इस तरह से बहुत कंपनीज हैं, इनका एवरेज पैकेज डेफिनेटली इतना नहीं जाता ये, पर ये भी यार आपको 6 से 10 लाख रुपए देती हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है आपका नॉन टेक में, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉलेजेस मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, ड्रॉप लेने से पहले, इनको छोड़ने से पहले 5 बार सोचना, 2 बार नहीं 5 बार। तो हमें पिक्चर क्लियर हो गई यार,
और बाकी अब हर बच्चे पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत करता है। एक दो दिन का रेस्ट लो और शुरुआत कर दो जेई मेन्स की प्रिपरेशन अच्छे से। अगर आप एक दो महीने उस फ्लो को मेंटेन कर पा रहे हो तो भाई ठीक है, करते रहो। अगर आपका फ्लो पहले ही टूट गया फिर तो ड्रॉप की सोचना ही मत यार। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं यार आज का वीडियो। रिस्क यार लाइफ में लेनी ज़रूरी है, ठीक है, रिस्क लाइफ में लेनी ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पहले अटैम्प्ट में ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। जो सक्सेस होती है ना, मान लो यहाँ पे सक्सेस है और यहाँ से जो पहुँचने का रास्ता होता है ना, लंबी सी जो ये सड़क है, इसका नाम फेलियर होता है, ठीक है। तो आपको फेलियर के थ्रू ही सक्सेस मिलती है। एक बार गड्ढे में गिर गए उसका हम ये मतलब थोड़ा ना कि गड्ढे में पड़े रहेंगे और निकलेंगे नहीं। तो जज्बा आपको बना के रखना पड़ेगा यार। काफ़ी बच्चे होते हैं 95% फेल हो रहे हैं, तो क्या हुआ, पांच ऐसे बच्चे भी तो हैं जो पास हो रहे हैं। आप उन पांच में आना चाहते हो नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसी के साथ चलते हैं यार। सी, हैव अ गुड डे एंड बाय।